हेलो दोस्तों, एमके एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का केमिस्ट्री और फिजिक्स के रिजल्ट के बारे में। और दोस्तों, इनका जो इंटरव्यू कट ऑफ है वो कितना रहेगा, और साथ ही दोस्तों पिछली बार क्या कट ऑफ रहा था, कितने गुणा कैंडिडेट को यहाँ पर जो है पास किया गया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2020 का ये नोटिफिकेशन है, और 2020 में जो वैकेंसी है केमिस्ट्री में 40 पोस्टें आई थी और फिजिक्स में यहाँ पर जो है 35 यानी कि 35 पोस्टें यहाँ पर आई थी। वहीं दोस्तों, अगर 2023 की बात करें तो दोस्तों 2023 में यहाँ पर जो केमिस्ट्री है उसकी 81 यानी कि 81 पोस्टें आई है, और फिजिक्स की यहाँ पर 60 यानी कि 60 पोस्टें यहाँ पर आई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2020 में और 2023 में जो पोस्टें हैं उनमें अंतर है, यानी कि 2023 में जो कुछ पोस्टें हैं वो ज़्यादा आई हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फिजिक्स है उसका ये रिजल्ट ऑफिशियल इंटरव्यू का, दोस्तों यहाँ पर लगभग 224 कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था पिछली बार यानी कि 2020 में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 में 35 पोस्टों के लिए लगभग 6.4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया था, यानी कि 224 कैंडिडेट को। और अगर बात करें 2023 में तो इस बार 60 पोस्टें हैं, और अगर 6 गुणा को यहाँ पर पास करते हैं तो लगभग 360 यानी कि 300 से 400 के बीच में यहाँ पर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार जो कट ऑफ है वो जनरल का जो कट ऑफ है वो 71.60 पे रहा था जनरल और फीमेल का, और वीडियो कैटेगरी का यहाँ पर 27.05 पे रहा था। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 71.60 पे था, तो एससी जनरल का 68.70 और वीमेन का भी 68.70 पे रहा था। एसटी कैटेगरी में अगर बात करें तो दोस्तों जनरल का 59.90 पे और एसटी में वीमेन का जो है 55.79 जो नंबर है इन पर इनका कट ऑफ रहा था। और ओबीसी की बात करें तो दोस्तों वही 71.60 और एमबीसी में भी 71.60, यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो जनरल का और ओबीसी का, एमबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, इन चारों का जो कट ऑफ है वो लगभग बराबर रहा था पिछली बार। और दोस्तों, इस बार की अगर बात करते हैं हम तो जो जनरल कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ है वो लगभग 65 से लेकर के 72 तक रह सकता है, और इसमें दोस्तों जो वीडियो कैटेगरी है उसका तो लगभग 30 के करीब रहेगा, 25 से 30 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस की भी बात करें तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस का भी लगभग यही रहने वाला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एसटी और एससी जो कैटेगरी है दोनों यानी कि एससी एसटी कैटेगरी का, इनका दोस्तों लगभग आप देखें तो 60 से लेकर के यहाँ पर 65 के बीच में यहाँ पर रहने वाला है। और जो ओबीसी और जो एमबीसी कैटेगरी है इनका भी लगभग यहाँ पर 65 से लेकर के 70 तक यहाँ पर रहने वाला है। ये दोस्तों यहाँ पर इसका कट ऑफ रहेगा इस बार। और आप देख सकते हो पीएच कैटेगरी में ये जो कट ऑफ है इनमें मिनिमम आप -2 या -3 जो है कम जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा है केमिस्ट्री का, इसमें आप देख सकते हो केमिस्ट्री में लगभग 178 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और यहाँ पर अगर बात करते हैं पोस्टों की तो 2020 में 40 पोस्टें थी, उसके लिए 4.45 गुना कैंडिडेट को पास किया था यानी कि 178 कैंडिडेट को, और इस बार 81 पोस्टें यानी कि इससे डबल है। अगर 4 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं तो 300 से 400 के बीच में यानी कि 324 कैंडिडेट लगभग यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों पिछली बार का जो कट ऑफ है जनरल का 115.26 पे था, वीडियो का कम था यानी कि 36.88 पे, ईडब्ल्यूएस का भी 115.26 पे था, एससी का यहाँ पर 98.58 पे था, तो एसटी का यहाँ पर 87.42 पे रहा था, ओबीसी का जनरल के बराबर में 115.26 पे रहा, और एमबीसी का काफ़ी कम यानी कि 103.18 पे ये कट ऑफ रहा था। और इस बार की बात करें दोस्तों जो जनरल है उसका लगभग 105 से लेकर के 110 के बीच में यहाँ पर जनरल का जो इंटरव्यू का कट ऑफ है वो रहने वाला है, और वीडियो का लगभग 30 के करीब रहेगा। ईडब्ल्यूएस का भी दोस्तों यही रहेगा, और जो एससी कैटेगरी है उसका लगभग 90 के करीब रहने वाला है, तो एसटी का यहाँ पर 80 के करीब रहेगा। ओबीसी का जो कट ऑफ है दोस्तों वो 105 से लेकर के और 108 के बीच में यहाँ पर ओबीसी का जो कट ऑफ है वो इस बार रहने वाला है, और जो एमबीसी कैटेगरी है उसका लगभग 95 से लेकर के 100 तक ये जो एमबीसी का कट ऑफ है वो इस बार रहने वाला है। ये दोस्तों इस बार का संभावित कट ऑफ है, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर आप पीएच कैटेगरी में देख सकते हो कि इन सभी में 2 से 3 नंबर माइनस आप कर सकते हो, इतना इनमें कम रहेगा। दोस्तों ये जो कट ऑफ है केवल अनुमान है, इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, और पिछली पोस्टों के आधार पर ही आपको ये जो कट ऑफ है वो अनुमान के आधार पर बताई जा रही है कि पिछली बार कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया था, इस बार कितने को बुला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।